हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैप चैनल में वापस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डेटिंग ऐप्स की पांच ऐसी बातें आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो आप लोग को शायद ना पता हो। और दोस्तों, आप लोग को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। मैं क्या आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो सबसे पहली बात जो ये है दोस्तों, आप लोग डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं और सभी के सभी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो लोग डेटिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, एक्चुअली में ये सिर्फ सेक्स के लिए ही आते हैं, चाहे कोई भी वो हो। 10% लोग ऐसे हैं जो ट्रू लव फाइंड करने आते हैं, वो भी फाइंड करने नहीं आते हैं, अचानक वो एडल्ट वगैरह बात करते हैं, हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो 100 के 100% लोग यहाँ पे सिर्फ सेक्स के लिए ही आते हैं। ये बहुत ही कड़वा सच है, आपको चाहे पता हो या ना पता हो, यहाँ पे कोई ट्रू लव ढूंढने नहीं आता है। तो मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ दोस्तों, सबसे पहले बात तो ये है दोस्तों कि अगर आप डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एज क्या है, या सामने वाले से जिससे आप चैट कर रहे हैं उसकी एज क्या है, 18 से कम है या 18 से ऊपर है। क्योंकि इंडियन लॉ के हिसाब से अगर 18 साल के कम लोगों से आप चैट करते हैं और कुछ इस तरीके का बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटिंग ऐप्स पे लोग ज़्यादातर सेक्स के लिए ही आते हैं, तो आप एक अपराध कर रहे हैं और आपके खिलाफ़ FIR हो सकता है, आप जेल भी जा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, हर डेटिंग ऐप्स में एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो आपको जाके वहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कोई 18 से नीचे ना हो, नाबालिग ना हो, आपको भी चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप लोगों ने डेटिंग ऐप्स देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैं अपने से खुद से नहीं कर रहा, लोगों का कमेंट मैं रीड करता हूँ और देखता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारे पेड जो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है और वहाँ पे आपको VIP मेम्बरशिप ख़रीदना होता है, फिर भी लोग चैट नहीं कर पा रहे। एक्चुअली में ये क्या होता है, यहाँ से आप लोगों को फंसाया जा रहा है, आपसे पैसे ऐठा जा रहा है, पैसे आपसे काटे जा रहे हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे आप कोई भी आप डेटिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपसे कोई कॉल करेगा, कोई मैसेज करेगा, लेकिन वहाँ पे आप रिप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप उनके मेंबरशिप नहीं लेंगे। अब मेंबरशिप लेने के लिए एक महीने के लिए आपने 300 रुपये दिया, उसके बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। लिखा तो था यही कि आप इसके बाद कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं कर पाएंगे, आपको फिर से डायमंड खरीदना होगा, 500 रुपये खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद इसी तरीके से 1000-1500 रुपये आपको वहाँ पे काट लिए जाते हैं और आप फिर भी वहाँ से मैसेज नहीं कर पाते हैं, कॉल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस तरीके के एप्लीकेशन भी हैं डेटिंग ऐप्स के, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कमेंट बहुत सारे रीड किए, आप जाके मेरी दूसरी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझे कमेंट करके बताएं, सर मेरा पैसा रिफंड कैसे होगा, मुझे बता दीजिए ये वो। तो मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे बनाई है जिस पर बताया है कि आप कभी भी जहाँ पे फ्री मिल रहा वही यूज़ करिए, और जो पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल मत जाइए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सारे के सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं कि पेमेंट करने के बाद नहीं चैट कर सकते, कुछ एप्लीकेशन हो सकते हैं ऐसे हैं जहाँ पर आप जाके पेमेंट वगैरह करके वहाँ से भी आप चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात यह कि आप वहाँ से बचिए, फंस सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, मेरे साथ भी हुआ, मैंने वहाँ पर चेक किया यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, एक कोई डेटिंग ऐप था जहाँ पे मैं गया, किसी लड़की का प्रोफाइल खोला तो वहाँ पे मुझे नंबर लिखा कि कॉन्टेक्ट मी व्हाट्सअप नंबर। अब उस नंबर पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट ही कॉल कर दिया। अब जिस लड़की का नंबर था, वो नाम भी मैं यहाँ पे लेना नहीं चाह रहा हूँ, उस पर जैसे ही कॉल किया, कोई लड़का उठाया और मैंने उसका नाम बताया कि इस नाम से इस ID है, तो वो शॉक्ड हो गया। अब वो उसके सिस्टर का था कि उसके घर में किसका था मुझे ये नहीं पता, लेकिन कहा भाई ऐसे ऐसी बात है, मैंने उसको बताया मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक वीडियो बनाने के लिए मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। उसने कहा सर जिस डेटिंग ऐप में आपने देखा प्लीज़ मुझे उसका स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिए। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उसके मेल कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान हो चुके हैं, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर कोई वजह से हो गया, उनको बदनाम करने के लिए उनकी ID बनाते हैं, अपने उनके नाम से ID बनाते हैं और उनका मोबाइल नंबर वहाँ पर डाल देते हैं। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, आप जब भी उनके प्रोफाइल पर जाएंगे और उनके मोबाइल पर मैसेज करेंगे या उनके कॉल करेंगे, ऐसा तो है ना कि आप अकेले के हैं, बहुत सारे मैसेज बहुत सारे कॉल पहले से करें, और वो बंदे क्या करेंगे, वहाँ पे जिसके मोबाइल पे ये फ़ोन जा रहा है उनके घर वाले परेशान होंगे और वहाँ पे जाके FIR करेंगे, तो क्या होगा, आपका कॉल जाएगा, आप भी फंस सकते हैं। तो बिना किसी रीज़न के अगर आप डेटिंग ऐप पे जाते हैं और किसी का मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, तो डायरेक्ट कॉल कभी भी मत करिएगा, वहाँ पे मैसेज कर लीजिए, डायरेक्ट कॉल कभी भी मत करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, कोई भी लड़का होगा, कोई भी लड़की रहेगी, डेटिंग ऐप्स में अपना मोबाइल नंबर कभी भी शो नहीं करेगा, सबसे पहला नंबर ये आप जान लीजिए।
तो दोस्तों ये तीन चीज़ें जी। और चौथी बात ये है, जब भी डेटिंग ऐप में कोई आता है दोस्तों, तो ज़्यादातर मैंने जैसे कि आपको बताया कि मतलब 10% लोग ऐसे हैं जो कि ट्रू लव फाइंड करने आते हैं। एक्चुअली में वो फाइंड करने नहीं आते, वो अपने आप हो जाता है। 10% लोग जो कि बात करते करते, किसी लड़की हुई या लड़का हुई, दोनों बात करते करते, आपस में बात करते करते वो एक मीटिंग रख लिए कि हमको इस डेट पे आपको मिलना है। तो ऐसा गलती कभी भी मत करिएगा कि आप किसी लड़की से या आप किसी लड़के से अकेले में जाके मिल लीजिए। ऐसे में आपको वो फंसा सकता है या आपको फंसा सकती है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपको लूट भी सकते हैं वो। अगर बाय द वे आप बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं तो ठीक है, आप मिल लीजिए, लेकिन किसी पब्लिक प्लेस पे और किसी को अपने साथ लेके जाइए, चाहे आपका फ्रेंड हो चाहे आपका कोई भी दोस्त यार हो, उसको लेके जाइए। और फर्स्ट मीटिंग में कभी भी अकेले बिल्कुल मत मिलिए, कहीं ऐसी जगह मिलिए दिन हो और वहाँ पब्लिक प्लेस हो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो। मेरी ये बात आप ज़रूर मानिएगा, नहीं तो आपको फंसाया जा सकता है किसी भी टॉपिक को लेके। और पांचवी बात दोस्तों ये है कि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर मेरा पैसा कट गया, आप रिफंड क्या दे। रिफंड के लिए मैंने दोस्तों एक वीडियो पहले से बना रखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, ज़्यादातर एप्लीकेशन में ये चीज़ नहीं होते हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन में होते हैं दोस्तों, कुछ कुछ डेटिंग ऐप्स में होते हैं जहाँ पर वो ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपका किसी कारण से आपको नहीं पसंद आ रहा, आपका पैसा फंस गया है, तो वो आपको रिफंड कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में ये चीज़ आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं वीडियो में बता दिया, वहाँ से आप जाके वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपसे करता हूँ, जो भी फ्री में है वही आप यूज़ करिए, और डेटिंग ऐप्स में किसी पे भरोसा बिल्कुल मत करिए। ज़्यादातर से ज़्यादा लोग यहाँ पे फेक ही रहते हैं, सब कोई अपना अच्छा ही बताएगा, कोई अपनी बुराई नहीं बताएगा, और आपसे जल्दी से जल्दी मिलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो चीज़ आप फॉलो करिएगा, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।